नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। कानून अंधा होता है, ये परिपाटी सालों से चली आ रही है, लेकिन इसका वास्तविकता से कोई मिलाप नहीं था। लेकिन अब लगता है कि सचमुच में कानून अंधा ही होता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं आपको आगे समझाऊंगी। आपको याद होंगे आकाश विजयवर्गीय, अगर नहीं याद तो जाकर के IPL देख लीजिए, शायद साहब का चेहरा याद आ जाए। जी हाँ, ये वो ही साहब हैं जिन्होंने क्रिकेट के बल्ले से दे दनादन बैटिंग करके अपनी टीम को जीत दिलाई थी। चौके, अरे चौकिए मत साहब, क्योंकि इन्होंने बल्ला मारने के लिए नहीं बल्कि बैटिंग करने के लिए उठाया था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कैलाश विजयवर्गीय के धुरंधर सुपुत्र को बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि हम वीडियो को सबूत नहीं मान सकते। माने गजब है। उस कोर्ट को सलाम, उस समूचे कानून के नुमाइंदों को सलाम। कोर्ट में मौजूद आंखों पर पट्टी बांधे वो न्याय की देवी भी आज जज साहब के फैसले पर शर्मिंदा हो चुकी होंगी। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। इस वक्त तो वैसे भी पुलिस प्रशासन, कोर्ट सब मिल करके इंसाफ की नई इबारत लिख रहे हैं और ऐसे लोग अपना नाम स्वर्णिम इतिहास में अर्जित करा चुके हैं। सालों साल पहले अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी, आपको याद होगी, जिसमें शशि कपूर कहते हैं ना कि मेरे पास पैसा है, पावर है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? सचमुच अगर आज आपके पास ये सब कुछ है तो इंसाफ आपकी जेब में है। और फिर क्या कोर्ट, क्या जज, क्या प्रशासन। कोर्ट में हनक से जाते कैलाश के सुपुत्र को पता था कि कोर्ट हमारी, जज हमारा, तो इंसाफ तो भैया हमारा होगा ही। इन दिनों अक्सर कोर्ट से इंसाफ मुंह लटकाए हुए बाहर आ जाता है और जुल्म चिंघारते मारता देखा जाता है। सरेआम बाजार में एक अधिकारी को रेल देने वाले बीजेपी के नेता के बेटे बाइज्जत बरी कर दिए गए। कोर्ट ने नियमों को ताक पर रखकर इस फैसले को सुना दिया गया। अब आप ही सोचिए कि ऐसी सरकारें कभी निष्पक्ष होकर के फैसला कर पाएंगी। बीजेपी के बड़े नेता खुद विदेशों में डंका पीटने वाले डंकापति यानी कि मोदी भी ये कहते दिखाई देते हैं कि हमारी पार्टी में कभी भी परिवारवाद को नहीं पनपने दिया गया। तो फिर हम पूछना चाहेंगे कि आकाश विजयवर्गीय को कौन सी शक्तियों ने बचा लिया? हमेशा झूठ की दलीलें देते फिरते बीजेपी नेता हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और अपने ही बच्चों की हिफाजत के लिए जी जान लगा देते हैं। और फिर अगर इन्हें कोई विदेश में जाकर आईना दिखा दे तो बीजेपी के नेता छाती पीटने लगते हैं। इंसाफ की बात करने वाले नेता आखिर इस घटना पर अपना मुंह क्यों चुपचाप सिल के बैठे हुए हैं? इंदौर की कोर्ट में सरेआम इंसाफ की हत्या कर दी गई और जवाब देने वाला कोई है ही नहीं। आज बैट उठाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कल गोली मार दी जाएगी, वो तो साहब को दिखेगा भी नहीं, है ना? फिर कोर्ट में बैठा जज यही कहेगा कि अरे आकाश ने तो बंदूक खाली पकड़ी थी, गोली तो किसी और ने ही चलाई थी। पूरा मामला 26 जून 2019 का था, जब इंदौर नगर निगम की टीम गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान को तोड़ने पहुंची थी। इस बीच स्थानीय लोगों ने तत्कालीन विधायक आकाश विजयवर्गीय को बुला लिया। विधायक के आते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भी आ गया। इसी दौरान अधिकारियों से उनकी कहासुनी हो गई। घटना के बाद निगम के जोनल ऑफिसर धीरेंद्र बायस पर क्रिकेट बैट से हमला करने का वीडियो सामने आया। आरोप लगाया गया कि आकाश विजयवर्गीय ने नगर निगम अधिकारी को बैट से मारा, जिसके बाद निगम अधिकारी की शिकायत के बाद 26 जून 2019 को आकाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने 29 जून को आकाश को जमानत मिल गई थी और तब से लेकर अब तक केस चल ही रहा था। घटना का सार ये कहता है कि अगर आपके बाप की बपौती है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आकाश विजयवर्गीय से लेकर जय शाह तक आज ये सब अपने पिता की राजनीतिक विरासत के आंचल तले ही हैं, अपने पैर जमाए हुए हैं। इसके बाद भी बीजेपी कहती है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद का एक कतरा तक नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी।
आज हमने, मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है, एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1,00,000 ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1,00,000 नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1,00,000, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1,00,000 नए नौजवान कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बनकर के आगे आए, देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1,00,000 ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा, और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। अगर नहीं है तो फिर जय शाह जहां है वो अपनी काबिलियत के दम पर है, है ना? उन्होंने कौन से क्रिकेट फॉर्मेट में झंडे गाड़े हैं जो उन्हें विश्व क्रिकेट में इतना बड़ा कद दे दिया गया? ये दो नेताओं के नाम तो केवल उदाहरण मात्र हैं। अगर आप लिस्ट खोलेंगे ना तो बीजेपी के परिवारवाद की लंबी लिस्ट आपको इंटरनेट पर गोते मारते हुए दिखाई पड़ेगी। अब ये बल्ला कांड ही देख लीजिए, 5 साल तक लंबे खींचे इस मामले में, कई गवाह थे, कई साक्ष्य जुटाए गए थे, लेकिन पिता के राजनीतिक हुकूक के आगे कोई भी सबूत टिक ही नहीं पाया। साम दाम दंड भेद हर पैतरा अपनाकर आखिरकार साहब के सुपुत्र बाइसद बरी ही हो गए ना। खैर, कोर्ट का ये फैसला भारत के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया है। आखिर में एक बार फिर से उस कोर्ट को मेरा सलाम। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।